तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी बेस्ट एक्ने ट्रीटमेंट एट होम। वेल, समर्स आ चुके हैं एंड ऑयली स्किन पे पिंपल का निकलना बहुत ही ऑब्वियस है एंड मोस्टली लोगों की जो पिंपल है बहुत जल्दी निकल जाता है क्योंकि ऑयली स्किन होती है तो पिंपल ऐसे मतलब लाइक कि बहुत जल्दी पीछा नहीं छोड़ते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, और मेरी भी ऑयली स्किन है तो मैं आपको बता दूँ, एक्ने का जो ट्रीटमेंट अगर आपको करना है, अगर आपको एक्ने निकल आया है तो बेस्ट थिंग है सबसे पहले अपना जो फेस है उसको क्लीन रखना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अगर क्लीन नहीं रखोगे तो एक्ने एक के बाद एक निकलता ही रहेगा। वेल, मैं आपको बता दूं कि जब एक्ने निकलता है आपको तो पता लग जाता है वहाँ पे एक्चुअली में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप अपना फेस क्लीन करें कोई भी ऑयल फ्री फेस वॉश से। अगर आपके पास ऑयल फ्री फेस वॉश है तो बेस्ट एंड वेल एंड गुड, बट सबसे अच्छी बात, सबसे इससे भी बेटर फेस वॉश मैं आपको बता दूँ, जो फेस जिस फेस वॉश में सिलिसिलिक एसिड होता है वो बेस्ट फेस वॉश होता है। जब भी आप फेस वॉश खरीदे तो हमेशा उसके नीचे लिखा रहता है ना बहुत से कि इसमें अंदर, इसके अंदर क्या क्या है। अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो आप वो वाला फेस वॉश ज़रूर खरीदिएगा। चलिए बात करते हैं, अगर पिंपल आ गया है तो उसका क्या इलाज किया जाए। वेल, अगर पिंपल आ गया है तो सबसे पहले अपना फेस वॉश करें ऑयल फ्री फेस वॉश से, या फिर वो जो सिलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश है अगर आपके पास है तो। वैसे तो काफ़ी सारे फेस वॉश अवेलेबल है बट ऑब्वियसली मैं लिंक मेंशन कर दूंगी कि आपको कौन से फेस वॉश है जो यूज़ करने चाहिए जिनमें ये सिलिसिलिक एसिड मिलता है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अगर पिंपल निकल आया है तो घर में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है समर्स में, आइस। आप पानी लीजिए, क्लीन वाटर, उसको जमा दीजिए। जब वो आइस बन जाए तो जब यहाँ पे पिंपल आ रहा है ना वहाँ पे उस आइस को 10 से 15 मिनट रब कीजिए पूरे फेस पे। आइस से क्या होगा, तो वो पिंपल सप्रेस हो जाएगा और जो आपकी स्किन का ऑयल है वो निकल जाएगा और स्किन बहुत क्लियर और बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाएगी आइस से। एंड देन इससे क्या होगा, जो आपकी स्वेलिंग आ रही है वो, जो पिंपल की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी आइस को रब करने से उस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद आप क्या करेंगे, हनी लीजिए एंड लेमन लीजिए एंड जहाँ पे आपका पिंपल आ रहा है उसको उस फिंगर से एक्चुअली में लगा लीजिए। ये नहीं कि अगर आपको 2 से 3 पिंपल है तो सेम फिंगर से आपको उस पिंपल पे लगाना है, नहीं। आपको पिंपल के लिए फिंगर डिफरेंट यूज़ करनी है। अगर आपने ये फिंगर यूज़ करी उसके बाद दूसरी फिंगर यूज़ कीजिए, अलग अलग फिंगर से अलग अलग पिंपल पे हनी एंड लेमन को लगाइए और उसको 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है। उसको अपना काम करने दीजिए। जब आपका 15 से 20 मिनट बाद हो जाए तो उसको ऐसे ही मतलब लाइक कि ठंडे पानी से धो दे, पूरा फेस क्लीन कर ले। और रात को सोने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको क्या करना है, मिंट। मिंट तो हर किसी के घर में होती ही है, यानी पुदीने के पत्ते जो कि बहुत ठंडे होते हैं उसका अगर आप पानी पी लो, नींबू पानी बना, नींबू पानी में पुदीने के पत्ते डाल के, वो बहुत ही अच्छी एनर्जी ड्रिंक भी है और पुदीने के पत्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम भी करते हैं पिंपल्स के लिए। आपको मैं बता दूँ, मिंट लीव्स का अगर आप यूज़ करोगे सोने से पहले आपको क्या करना है, मिंट लीव लेनी है, उसको थोड़ा सा क्रश करना है एंड क्रश करके उसका एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उसमें एलोवेरा जेल डालना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है एंड जहाँ पे आपका पिंपल हो रहा है वहाँ पे उस पूरे पार्ट में उसको लगा लेना है। आप चाहे तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं बट बेस्ट है कि सोने से पहले आए तो आप उसको ऐसा फेस पैक यूज़ कर लीजिए लगा के, उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आप वॉश कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये रहेगी आपको कि जहाँ पे आपको पिंपल है मिंट एंड एलोवेरा जेल का जो पेस्ट है वहाँ पे लगा के पूरी रात सो जाइए एंड सुबह आप देखेंगे कि आपका जो पिंपल है वो ऑलमोस्ट जा चुका होगा। एंड ये वाली जो रेमेडी है मैंने काफ़ी बार अपने ऊपर ट्राई की है एंड मुझे इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आया है। एंड अगर आपको इसका रिज़ल्ट ना मिले तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वेल, मैं आपको बता दूँ, ये मेरी एक्चुअली में इस चीज़ को मैंने अपने अपने ऊपर अप्लाई किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, 100% गारंटी है जो आपका जो पिंपल है ना वो सच में चला जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मैंने कई बार ट्राई की है, मैं मोस्टली करती रहती हूँ ये चीज़ें। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी पिंपल हो
आप ये काम कीजिए कि आप ये सब चीज़ें करिए। और उसके अलावा अगर आप पिंपल से बचना चाहते हैं, क्योंकि समर्स में टैन एंड ऑयली स्किन का होना बहुत ही नेचुरल चीज़ है, सबसे पहले अपना फेस वॉश चेंज कीजिए। ऑयल फ्री होना चाहिए फेस वॉश, ठीक है, क्योंकि ऑयली स्किन पे ऑयल फ्री फेस वॉश जो होता है बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए एंड सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। दिन में 2 से 3 बार, चाहे आप घर के अंदर हैं तो भी आप सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन एक्चुअली में हमारी जो स्किन टोन है एंड बहुत ही हेल्प करती है हमारी स्किन के लिए, बहुत ही अच्छी रहती है। आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए सनस्क्रीन, के बिना आपको घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। एंड अगर आप सन में जा रहे हो तो 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लो, ताकि एक्चुअली में वो आपके फेस पे, आपके स्किन पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। जो पिंपल हैं ये होते क्यों हैं? वेल, पिंपल हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हार्मोन्स चेंज होने से पिंपल होते हैं। दूसरा, गर्मी है, ऑयली स्किन है तो पिंपल निकल आते हैं, ठीक है, क्योंकि और कई बार हमारे हाथ गंदे होते हैं और हम धूल वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो हाथ मुंह पे लग जाते हैं, या फिर धूल ज़्यादा लग जाती है, डस्ट, तो बैक्टीरिया स्किन पे बैठ जाता है एंड जिसके कारण भी पिंपल हो सकते हैं। स्ट्रेस से भी पिंपल हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं अलग अलग जिससे पिंपल निकल सकते हैं। अगर पिंपल से बचना है तो बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले अपना फेस वॉश अच्छे से करो, और फेस वॉश जब आप कर रहे हो तो उसमें 20 से 30 सेकंड लो, अच्छे से फेस वॉश करो, उस सर्कुलर मोशन में करो, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े और स्किन अपने आप को हील करे। उसके बाद आती है कि अपना जो फेस है वो पूछते किससे हैं, टावल से पूछते हैं मोस्टली लोग, बट कोशिश करो कि आपका जो टावल है बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, उस पर बैक्टीरिया वगैरह ना हो। मोस्टली लोगों का जो टावल है वो 2 से 4 दिन में धुलते हैं तो उसमें कितने सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो बेटर है कि आप जो अपना फेस है वो ऐसे ही ड्राई करो। ये बेस्ट चीज़ें हैं करने के लिए, जो आपकी ज़रूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए और करनी चाहिए। और रात को सोने से पहले अपना जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन कर ले, टोनर आप यूज़ करें और अपना फेस जो है मॉइस्चराइज करें। टोनर यूज़ करने के लिए, टोनर में आप, अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल को एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है। सोने से पहले गुलाब जल अपने फेस पे लगा ले टैप टैप करके एंड उसको थोड़ा ड्राई होने दें। उसके बाद आप मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, कोई भी नाइट क्रीम लगाएं एंड देन आप अपने बेड पे जाने के लिए रेडी हैं। एंड ये चीज़ भी आपको मैं बता दूँ, अगर आपका जो पिल्लो है उसका जो कवर है आप उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें उस पर भी, क्योंकि काफ़ी टाइम में हमारी जो बेडशीट्स है उस पर भी काफ़ी जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होते हैं, तो अपना जो पिलो कवर है वो मोस्टली क्लीन रखें। और कोशिश कीजिए कि हर 2 से 3 दिन में अपनी बेडशीट चेंज करते रहें, ताकि जो आपका जो पिलो है वो क्लीन रहे और आपके जो फेस है उस पर कोई इन्फेक्शन ना आए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उसकी गंदगी से, क्योंकि जर्म्स तो हर जगह ही होते हैं। और हमें अपना ध्यान रखना, अपने फेस का ध्यान रखना फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ गर्ल, और नॉट एज अ गर्ल, एक्चुअली मैं एज अ ह्यूमन बींग अपनी चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दीज आर माई सजेशंस। अगर आपको सच में ये वाली जो मैंने रेमेडी बताई है अगर आपको ये अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितनी इफेक्टिव रही ये आपके लिए, ठीक है। वेल, मैं आपको 100% बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये ट्राई की है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड सपोर्ट मी गाइस एज मच एज यू कैन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, चलो बाय बाय।